दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप 2023 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि SCR साउथ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। अगर टोटल पोस्ट का बात करें तो 4103 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। नोटिफिकेशन रिलीज़ करने से पहले सभी कैंडिडेट इसको लेकर यहाँ पे बहुत उत्सुक थे, जिसका अगर बात करें कि ओवरऑल परसेंटेज जो है 70 से कम है, 55 है, 60 है, 65 है। वो लोग सोच रहे थे कि अगर SCR का अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आएगा तो हम यहाँ पे मेरा परसेंटेज जो है कम है, इसके कारण किसी और डिवीज़न में सेलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो मेरा SCR अप्रेंटिसशिप में जरूर जरूर सेलेक्शन हो जाएगा। पर जैसे ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है 4103 पोस्ट पर, जितने भी कैंडिडेट उम्मीद लगा के बैठे थे सारे का उम्मीद पे यहाँ पे पानी फिर जाता है, क्योंकि रेलवे पूरा का पूरा यहाँ पे पासा ही पलट देता है। जब रेलवे इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है तो मात्र 6 राज्य वाले कैंडिडेट को ही मौका दिया जाता है। उससे भी आर से चकित करने वाली बात हम आपको आगे बताएंगे कि जितने भी फॉर्म अप्लाई हुए थे अप्रॉक्स आपका 17,000 के आसपास, उसमें से आपका 9,000 से ज़्यादा फॉर्म जो है रेलवे ने रिजेक्ट कर दिए हैं। रिजेक्ट करने का जो मेन कारण है वो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट को लेकर है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो स्थानीय प्रमाण पत्र को लेकर है कि यहाँ पे पहले ही बता दिया गया था कि सिर्फ 6 राज्य वाले कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। उसके बावजूद भी ऑल ओवर इंडिया के छात्रों ने, यूपी से, बिहार से, बंगाल से, झारखंड से छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया, जिसके कारण उनका फॉर्म यहाँ पर रेलवे ने रिजेक्ट कर दिया गया। अब सबसे बड़ा जो बात आता है कि 9,000 से ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन माध्यम से जो यहाँ पे छात्रों का जो संख्या बचा है अप्रॉक्स आपका 6 से 7,000 के आसपास ही यहाँ पे कैंडिडेट बचे हैं जो आपका यहाँ पे सुटेबल पाए गए हैं, ठीक है। टोकन वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग इसका मेरिट लिस्ट कब आएगा हम वीडियो के आपको आगे बताएंगे। अब बात रहा कि 50%, 60%, 70% वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, जो जो इलिजिबल थे उन सभी के लिए SCR की तरफ से, तो बहुत ही आसानी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, 4103 पोस्ट रिलीज किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह लेटेस्ट रेलवे का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे अपडेट आपके साथ वहाँ पे भी शेयर किए जाते हैं। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी SCR अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई किए सभी कैंडिडेट तक वीडियो पहुँच जाए। तो सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। अब जैसा देख रहे हैं हम SCR साउथ सेंट्रल रेलवे के नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। अगर इसका लास्ट डेट बात करेंगे तो 29/1/2023 रात के 12 बजे से पहले ऑल ओवर छात्रों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया। अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया का बात करेंगे तो सिर्फ 6 राज्य वालों को ही मौका दिया गया था, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे सभी छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया, और इन सभी छात्रों के पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का। टोटल अगर बात करें तो 35 ट्रेनिंग स्लॉट है, 35 यूनिट है जहाँ से आपका ट्रेनिंग जो है अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग होने वाला है। देखिए, रेलवे एस्टैब्लिशमेंट वेयर एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग टू बी इंपार्टेड, तो टोटल यहां पे 35 जो आपका इंपार्टिंग ट्रेनिंग का यूनिट है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा। टोटल 11 ट्रेड की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कितना आप सभी को देखने को मिलेगा, वो सबसे पहले हम एक एक करके दिखाएंगे। हालांकि आपको 4 से 5 ही ऐसा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा जिसका कट ऑफ आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, बाकी सभी का कट ऑफ जो है अप्रॉक्स आपका 55 से 60% के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जिसका कम कट ऑफ जाएगा वो सारे कैंडिडेट ध्यान दीजिए, तो उसमें आपका 2 नंबर में आता है कारपेंटर। कारपेंटर के बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका आ जाएगा पेंटर, वेल्डर और आपका MMB, ठीक है, जिसे मिल्ड ब्रिज मेंटेनेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 ट्रेड ऐसा है जिसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका जिसका भी 65+ बन रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका भी 65+ बन रहा है वो खुद को सेफ मान सकते हैं। 65 से ज़्यादा है जिसका 10+ ITI को मिलाने के बाद, क्योंकि इसका मेरिट लिस्ट जो 10+ ITI के बेस पर बनाया जाएगा, तो 65+ वाले कैंडिडेट यहाँ पर खुद को सेफ मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात रहा, हम लोग 4 ट्रेड कवर कर लिए, टोटल यहाँ पे 11 ट्रेड है, 7 ट्रेड बचा। बाकी ट्रेड का देखिए कितना कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से अगर बात करें हम यहाँ पे फीटर, ठीक है, 6 नंबर में जो आपका फीटर है और 4 नंबर में इलेक्ट्रीशियन है, फीटर इलेक्ट्रीशियन और यहाँ पे अगर बात करें डीजल मैकेनिक का, ठीक है, फीटर इलेक्ट्रीशियन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया,
तीन ट्रेड का अगर देखें तो इसमें जिसका भी आपका 73 प्लस बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 73 प्लस बन रहा है, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। हालांकि कट ऑफ जो इससे और थोड़ा सा कम जाएगा, 71 72 वाले भी खुद को सेफ मान सकते हैं, पर जिसका 73 बन रहा वो खुद को सेफ मान सकते हैं कि उनका 100% एकदम चांस है, 100% बनता है कि उनका आपका एससीआर अप्रेंटिसशिप में जरूर सेलेक्शन कर लिया जाएगा। अब बात रहा आप जिसका जो ट्रेड बचता है उसके बारे में एक बार देखते हैं। यहाँ पे आपका बच गया एसी मैकेनिक, एसी मैकेनिक के बाद आपका डीजल मैकेनिक तो हम लोगों ने कवर कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैकेनिस्ट। टोटल ये जो मैकेनिक वाला जो ट्रेड है इसमें अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ देखोगे तो एवरेज आप मान के चलो कि यहाँ पे 71 प्लस 71 से जिसका ज़्यादा है वो अपने आप को एकदम 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा 71 से ज़्यादा वाले का। जिसका 70 है, जिसका 69 है, वो उम्मीद रख सकते हैं कि आपका भी नाम आ सकता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड मेरिट लिस्ट, ठीक है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। बाकी यहाँ सारा कवर हो गया, क्या और कोई बचा तो देख लीजिए, जो जो बचा उसको कवर कर लेते हैं। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस बच गया और यहाँ पे आपका वेल्डर बच गया, तो इन सभी में भी आपको ज़्यादा कट ऑफ जो है देखने को नहीं मिलेगा। अप्रॉक्स आपका 68 मान सकते हैं, 68 प्लस वाले कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड आराम से हो जाएंगे। तो ये फाइनली था हम लोग का साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे 4103 पोस्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि कितना जा सकता है। और कोई कोई तो ऐसा भी, जब देखिएगा मेरिट आएगा तो आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि 55% पे भी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, 55% पे भी आपका सिलेक्शन होगा। किस ट्रेड में होगा वो आपका ट्रेड में बता देता हूँ। अप्रोक्स आप मान के चलो कि कारपेंटर में हो सकता है, पेंटर में हो सकता है, वेल्डर में हो सकता है, और आपका डीजल मैकेनिक में तो 55 में नहीं बनेगा, एसी मैकेनिक में बन सकता है। तो 4-5 ऐसे ट्रेड है जिसमें 55% में भी आपका मेरिट बनेगा, पर ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है। जो मैंने कंफर्मेशन बताया कि 65 प्लस वाले का 4 ट्रेड में बनेगा, तो एकदम 100% है कि 65 जिसका भी आराम से सेलेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर वाले का 75 प्लस मैंने बताया, तो 75 प्लस जिसका भी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इसका जो मेरिट लिस्ट आपका बनाया जाएगा 10th प्लस ITI का एवरेज मार्क्स पे बनेगा, ठीक है, तो जिसका ज्यादा जितना एवरेज रहेगा उतना ज्यादा आपको यहाँ पे संभावना बन रहा है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। आपका ओवरऑल कितना बन रहा हमें और आपने कौन से ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। मेरिट लिस्ट जो है कब तक आ सकता है, तो देखिए अभी कुछ ही दिन में, ठीक है, कुछ ही दिन में इसका जो रिजेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है वो रेलवे के द्वारा यहाँ पे जारी कर दिया गया था। बात रहा कि मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पे आप मान के चलो कि मार्च एंड तक इसका 100% चांस बनता है कि आपका मेरिट लिस्ट जो है जारी हो जाएगा मार्च एंड तक, ठीक है। अभी देखिए डेट का नहीं पता, हो सके आपका 20-22 या फिर 15-16 तक भी जारी हो जाए, पर मार्च एंड तक आप मान के चलो, मार्च एंड नहीं तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा गया तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे जाने का संभावना नहीं बनता है, इससे ज़्यादा आपको डीले देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी यहाँ पे लास्ट अगर जाएगा तो हद से हद अगर अप्रैल का फर्स्ट वीक तक जाएगा, और नहीं तो पूरा पूरा यहाँ पे चांस है कि मार्च का लास्ट वीक तक ही जारी हो जाना चाहिए साउथ सेंट्रल रेलवे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।